इसमें कोई मुझे लगता नहीं है कि दो मत हो सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था उसको एक धक्का लगा है भारत भीतर। उन्होंने कहा 400 पार सीट लेकर हम लोग संविधान को बदलेंगे, देश की जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया। कम्युनिस्ट नेता वृंदा करात रांची एयरपोर्ट पहुंची, पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि राज्य कमेटी के साथ रांची में CPIM के विशेष बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में लोकसभा चुनाव प्रदर्शन और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष चर्चा की जाएगी। वृंदा करात ने कहा कि मुख्यमंत्री चंपई सुरेन से भी मुलाकात करेंगी, लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर CM के साथ चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में चाहिए कि सभी पार्टी को एक होकर झारखंड में चुनाव लड़े, तभी BJP और RSS के बुनियादी एजेंडा को धक्का पहुँचाया जा सके। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में BJP को झटका लगा है, 400 पार का नारा ध्वस्त हुआ है, जनता ने सबक सिखाया है। एक दल बहुमत के कारण भाजपा ने पिछले वर्षों में जन भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। विधानसभा चुनाव में CPIM मजबूती से चुनाव लड़ेगी, चाहेंगे JMM के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होकर वह इस बार चुनाव लड़ जाए। हमारी पार्टी की बैठक है, हमारे पार्टी के सचिव मंडल और राज्य कमेटी की बैठक है, और हम ये प्रयास भी करेंगे अगर मुख्यमंत्री जी के पास समय है हमें अपॉइंटमेंट चाहेंगे, क्योंकि चुनाव के दौरान जो बहुत विशेष मुद्दे उठे हैं विशेषकर संथाल परगना में, उसके बारे में डिस्कशन करना जरूरी है। इस बार जो परिणाम उसको कैसे देख रही हैं? इसमें कोई मुझे लगता नहीं है कि दो मत हो सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था उसको एक धक्का लगा है भारत भीतर। उन्होंने कहा 400 पार सीट लेकर हम लोग संविधान को बदलेंगे, देश की जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया, और अभी उनकी जो एक दल की बहुमत थी जिसकी घमंड में बहुत कुछ उन्होंने किया, अभी लगता है वो घमंड का तापमान कुछ नीचे लेकर आए हैं भारत की जनता, और देखते हैं क्या है। क्योंकि देखिए एक कहावत है, अ लेपर्ड नेवर चेंजेस इट्स स्पॉट्स, तो BJP और RSS की जो बुनियादी एजेंडा है उसको और पीछे करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, और उसके लिए एकता की ज़रूरत है, जन मुद्दों पर संघर्ष की ज़रूरत है, और विचारधारा की स्पष्टता की जरूरत है। अंतिम सवाल, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। विधानसभा के चुनाव की तैयारी अवश्य उस पर बहस होगी, और CPIM लड़ेगी, वाम दलों के साथ लड़ेगी, अगर यहाँ JMN के नेतृत्व में जो गठबंधन चल रहा है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि तमाम दलों के साथ मिलकर इस चुनाव के मैदान में उतरने की जरूरत है। हालांकि चुनाव लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमारी पार्टी तो तैयार है, अब चुनाव तो जरूर है।